अरे घर के लोग ये होना वो होना बड़ा मुसीबत में गिरा देते हैं आदमी। समझना तो चाहिए कि गोविंद के पास पैसा है क्या नहीं है, कैसा करेगा कैसा नहीं, क्या बताऊं इनके मारे तो कुछ तो मजबूरी समझे रहते। बाप को समझाओ अलग, घरवाली को अलग, भाई बहन को अलग, किस किस की सुनो और समझो, मेरे को तो समझ ही नहीं आता यार। हे ऊपर वाले, बड़ी मुसीबत में तुमने हमको डाले। क्या जिंदगी भी खूब पहेली है, कभी दुश्मन कभी सहेली है। आज यहाँ चुपचाप एकांत में बैठता हूँ, अपनी मजबूरी खुद ही सुनता हूँ। गोविंद किसको सुना लेगा, और बाप के पास जाओ, काम करना काम, घर में पड़ा पड़ा रहता है, खाने को बता दो इतना। हाओ घरवाली ऊपर से वो आ रहा है जी, अब करवा चौथ, मेरे को क्या हो गया, उपवास नहीं करती तो साड़ी तो होना, दीपावली में भी काम चला लूंगी। वो संजोरी वाला आया चंदा मांगने, बोले 700 रुपये संजोरी का चंदा है, तुम पटाओ गोविंद, क्या कर लूँ मैं अकेला। ये होना वो होना, बिजली बिल आया तो गोविंद, मोबाइल का बिल आया तो गोविंद, सब गोविंद, काट डालो ना घर भर के मिलके। साला कहीं सुकून नहीं है, काय को ऐसे घर में पैदा कर दिया होगा ऊपर वाले, कुछ तो देख लेता, इतने भी बुरे पाप करने किए रहा हूँगा मैंने पहले के जन्म में, कहीं सुख नहीं है रे तेरे को। कोई नहीं समझता तेरे को, ना घरवाली समझती, ना बाप समझता, ना बहन भाई। बस सबसे बड़ा रुपया, सही कहावत है भैया, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। पुराने लोगों ने जो भी बनाया है ना, सोच समझ के ही बनाए हैं, ऐसा तो लगता है कहीं, क्या बता दूँ। ओहो गोविंद बेटा, बड़बड़ का फिर देख क्या तुम्हारे, पर साला इतनी सारी जवाबदारियां हैं मेरे ऊपर घर की, अपने आप को कुछ कर भी नहीं सकता मैं। ओह नो, क्या करूँ क्या नहीं, साला कहीं का नहीं छोड़े घर के लोगों ने। हे भगवान, ऐसा तो लगता है कहीं ऐसा झाड़ गिरा देगा, तुम पटक रहा सर, पटक दूं क्या है, पटक दूं सर, साला कुछ क्या करूं क्या नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ तो चल। अरे तुम क्या, जहाँ मरूंगा वहां भी आओगे साथ में? आदाब क्या, आदाब आदाब क्या हो गया। अरे घर के लोगों से एक तो छुटकारा नहीं मिल रहा है, तुम यहाँ बीच में आके टपक गए, परेशानी क्या है बटर? अरे एक रहे तो बताओ मैं, दस दस परेशानी है। Oh, no. तो आ गई रजनी वापस। अरे तुम दुनिया भर की बात मत करो, तो क्या हुआ? और यहाँ जले में नमक छिड़कने आए हो क्या? अबे तू उसको इसमें सर पटकता तो तेरा। अरे चचा मैं तुमको हाथ जोड़ता हूँ, तुम चले जाओ, कुछ देर के लिए मेरे को यहाँ अकेला रहने दो, मैं तेरे को देख के, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो गया हूँ। अरे किया, अरे बस रहने दो तुम्हारा अर्ज और वर्ज। सुन तो बेटा, यहाँ पूरी जिंदगी मुशायरा बन गई है, तुमको मुशायरे की पड़ी, अर्ज किया है, अर्ज किया है, सुनकर अर्ज किया है। हाँ बोलो। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तो तब होती है बेटा कि जब ठान लिया जाता है, और एक झलक देख के जिस शख्स से चाहत हो जाए उसे पढ़ने में भी पहचान लिया जाता है बेटा। अरे यहाँ तो चाहत ही खत्म हो गई पूरी, अब तू इसको पटक रहा था तेरे सर को तो कुछ नहीं उठा, झाड़ गिर जाता उससे। अरे तुम मेरे को अब फुला फला मत करो, बटा बटा क्या हो गया, तुम यहाँ से जाओ यार चाचा, तू मैं नहीं जाता बटा, मेरे को, मैं अपने आप को कुछ देर अकेला रखना चाहता हूँ, मेरे को किसी से कोई बात नहीं करना है। बटा बटा परेशानी बटा बेटा, कुछ नहीं होता रे, तुम भी ना वो दिमाग की तरह हो। किसको कॉल दिया मैंने? इसको कॉल दिया मैंने, बता ना क्या परेशानी है। अबे हम जब तेरी उम्र में थे ना, हम भी ऐसे परेशान, रहन दो तुम भी वो रामकिशन के ही दोस्त हो, नहीं हो दूसरे के, वही बता रहा हूँ, एक ही लक्षण के हो तुम दोनों। अरे तू मेरे को मत सुना यार, तू बता हुआ क्या है, हर बार तेरा मैंने साथ नहीं दिया था। अरे साथ तो दिए, पर इस बार मेरे को किसी के साथ की कोई जरूरत नहीं है चाचा, मैं बता रहा हूँ। तेरी कहावत याद आ रही, अकेला ही जी लूंगा, तेरी कहावत याद आ रही, कर्म की घिस घिस किस्मत के फेर, मकड़ी के जाले में फंस गया शेर वो भी। हाँ वैसा ही हो गया है। अरे कहीं चैन नहीं है मेरे को, ना सुख है ना शांति है। दिक्कत कहाँ आ रही है? अरे दिक्कत देख रहे तो बताऊँ ना मैं। अरे तो सब बटे खट्टे बटा बटा, मैं सुनने, मेरे पास पूरा टाइम है बेटा। हाँ तुम्हारे को क्या है, तुम तो अल्पत्य हो, किसी काम के ना धाम के, बाल ना बच्चे खुला से अच्छे, बस बस। बटो 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 बटो। मेरे जैसे जी लेते ना जब समझ में आता, तो ज्यादा जी, और अच्छा है कि तुमने शादी नहीं की हो तो, इसलिए इसको अकलमंद। अरे क्या है वो, अभी घर भर के मेरे पीछे भिड़ गए हैं। काय के लिए? वो सबसे झगड़े की जड़ तो हमारे यहाँ की पिंकी है,
तो हुआ क्या है ये तो? अरे उसने पहले बोली कि मैं करवा चौथ को उपास नहीं रहती, मैंने सोचा चलो अभी खर्चे से तो बच गया आदमी। अच्छा, अब आज उसने मेरे पीछे फिर लगा दी टिनिन टिनिन कि बोले नहीं जी उपास नहीं रहती तो क्या हो गया, साड़ी तो लेना ही पड़ेगा आपको। मैंने कहा अरे बाद में ले लेंगे। अरे नहीं जी बोले अभी दीपावली में भी उसी को पहन लूंगी। तो ले लेना तू। ये धान तो काटी रही है अभी थोड़ी दिनों बाद। हाँ तो वहाँ मेरा बाप बैठा है सोसाइटी में, तुरंत बेच से तुरंत पैसे दे देगा। तो काम में क्यों नहीं जाता तू? अरे कहाँ जाऊँ, और वो अभी गांव में संजोरी है, वो आए चंदा के लिए। अब बाबू को बोले चंदा, बोले गोविंद से मांगो। तो मैं क्या कहाँ कहाँ मैं पैसे ला के दे दूँ, क्या क्या कर लूँ बताओ। अरे 700 रुपए चंदा आया है। बिजली के बिल जैसा? अरे बिजली का बिल तो कम आने लगा, 100 रुपए आया है बिजली का बिल। ज़्यादा परेशानी तेरे शांति चल रही है। अरे बस चाचा, वो सोनिया एक दिन कहने लगा भैया मैं कॉलेज जा रहा हूँ मेरे लिए वो कापी पुस्तक के लिए, वो महक आई तो कहा भैया मेरे पास पेन टूट गया है। अब तो ले देना तू। अरे पर फिर बात तो वहीं आके अड़ जाती है ना चाचा। चलो मत ना यार, भीर से बोल रहे। अरे मैं बहुत परेशान हूँ बता रहा हूँ, ऐसा तो लग रहा है। अब क्या बताऊँ, वो तो रोक लिए तुमने यहाँ पे। झाड़ गिरा देता। अरे झाड़ नहीं, मैं अपना सर फुट डालता, हो जाता एडमिट 4-8 दिन, कोई कुछ नहीं बोलता मेरे को। बेटा सुन सुन, और तुम समझाया करो मेरे बाप को, बराबरी के हो तुम। बहुत तो समझाया मैं। अरे क्या समझाया, तेरी गलती होगी भेज, अभी तेरे को चिल्लाता है वो। सुनी तुम उठो यहाँ से, भागो यहाँ से। नहीं नहीं जा तो। मेरे गांव में सबसे ज्यादा टैक्सी पट्टी बैठे सी, मुझे को ढूंढ ढूंढ के आता। हां तो ऐसा फालतू की बात मत किया करो, नजर में रख तू किधर जा रहा। मैंने देख लिया ट्रक को आते हुए, दौड़ के चले आ गया। मैं अर्ज किया ले आ गया। अरे हो गया तुम्हारा मुशायरा। अर्ज किया है कि तू इतना करीब है मेरे कि मेरा ख्याल भी तुझको सुनाई देता है। तू इतना करीब है मेरे कि मेरा ख्याल भी तुझको सुनाई देता है, और वो जिसने आँख दी है देखने के लिए उसी को छोड़ के सब कुछ दिखाई देता है। आदाब। अरे ये प्यार वाला मामला नहीं है। अरे तो हंस देना भैया। अरे क्या हंसी आए, तो अंदर से पूरी हंसी है, खत्म हो गई है मेरी। अच्छा करना क्या है आगे बता। मेरी एक किडनी बेचना है, कहीं ग्राहक हो तो बताओ। मैं आता हूँ जरा। नहीं अब सुनो ना, बैठो ना आप, बैठो। अब तू ऐसे किसनी और दिल गुर्दे की बात मत करा। देखो मेरे पास में कमाई धमाई के कोई जरिया नहीं है, आपको भी मालूम है। है क्या नहीं है? अब मैं चुपचाप एक किडनी बेच देता हूँ, घर भर का सबका पूरा हो जाएगा, जिसकी जो जो इच्छा। जी लूंगा चाचा मैं, जी लूंगा, एक एक किडनी के भरोसे जी लूंगा चाचा मैं, जी लूंगा। समझ, काम कर सुन। हाँ कितने पैसों की जरूरत है तेरे को? अभी हिसाब बना के बताऊंगे, बाद में बताऊंगा। बाद में बता, मैं रामकृष्ण को बता दूंगा गोविंद कितने पैसे। 2-2.5 लाख रुपए का है। रामकृष्ण को बता दूंगा, धान बेचेगा गोविंद को दे दियो करके। ओ मेरा बाप, जिस दिन पैसे धान बेचेगा ना और जिस दिन पेमेंट आएगा ना, उस दिन हमको भी नहीं बताएगा और खुद ही चले जाएगा बैंक, मालूम। और पुट ने निकाल लेगा और भरा जेब वो खींचे में, और कहाँ ले जाके रखेगा पता नहीं। और फिर कहूंगा बाबू पैसे। हाँ तो साल भर जीना ना बेटा अपने को, काम करो ना काम। तेरा बाबू इतनी जल्दी निपट रहे, तुम मेरे लिए कहीं कहीं काम की व्यवस्था कर सकते हो। और सुनो, ऐसे वैसे काम मत दिलाना जिससे जिंदगी भर परेशानी आए। नहीं नहीं परेशानी नहीं आई, यही गाँव आओ। मतलब परेशानी मेरे वजह से आती। अरे आई थी एक बार, बचपन का प्यार तेरी रज्जू, वो मेरे वजह से परेशानी आई। मैं बोला ना चाचा ये प्यार वाली बातें नहीं है, कर लो। वो मेरे वजह से परेशानी आई बेटा तेरे को। मैं तो हाँ तो मैं बोला था उनको आओ, तेरे को भड़काट लेके गए, अच्छे खासा काम दिला तुम उसको, दे दिया। वहाँ का नाम मत लेना। फिर मेरे वजह से कहाँ से परेशानी आई? अरे तुम्हें तो वहाँ ले गए थे काम दिलाने, और सब लफड़े हुए। काम दिलाने ले गया था बेटा, दमा देने नहीं ले गया था। क्या करता वहाँ मैं, वो तो अच्छा था, मैं था तो बच के आ गए। हाँ, मर गया तू, दिमाग देखो। और सुन, तेरा बाबू इतनी जल्दी निपटने वाला नहीं है बेटा, पुराना घी खाया हो, बैरिंग जान। सुनो मेरे बाप को मैं मरने के लिए नहीं बोलता। तू तो बोल रहा है साल भर खाएंगे, तेरे को साल भर बाद निपट जाएगा, पुराना घी खा। अरे रहने दो तुम, मेरी बात क्या है वो पहले समझ लो, अगर समझना है तो, और नहीं तो यहाँ से जाओ मेरे बाप। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं अकेला ही ठीक हूँ। तो मेरे लिए कहीं काम वाम बताओ, गांव में चल रहा। और सबसे पहले अभी वो तुम्हारे पास पैसे है ना 7,000, वो मेरे को उधार दो अभी। मेरी लुंगी फट गई, मैं लुंगी नहीं ले सका। हाँ तो वो सब साथ में ले लेंगे। मैं आता हूँ ना फिर बाद में। नहीं 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 नहीं, बैठो ना, दोगे के नहीं पहले बताओ। आता हूँ फिर मिलते। नहीं 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 नहीं, 7,000 दोगे के नहीं दोगे बताओ। अरे धान काट के वापिस कर दूंगा मैं, और जब तक तो कमा धमा भी लूंगा। पक्का? हाँ सही में, सही में। रामकृष्ण से पूछ के देता हूँ, उसी को दे देना। फालतू की बात कर रहा है। सुन, अपने गांव में पंचायत का काम चल रहा है,
हाँ उसमें करेगा काम? अरे कर लूंगा ना मैं, खंड खोदना पड़ता है बेटा। आओ खोद लूंगा। सही में? सही बेटा। आओ आओ, अभी तो बड़े डेंगे हाँ कर रहा है, वहाँ जाने के बाद पसीना निकल जाएगा। अरे मैं भी बचपन से किया हूँ चाचा, देख रहे हो? मैं देख तो रहा हूँ, अभी अभी थोड़ा सा हलाल हुआ हूँ। केकड़े जैसी हालत भी हो गई, वो भी टेंशन, घर के टेंशन कारण ऐसी हालत हो गई, नहीं तो पहले कहा था बम फूला हुआ था मैं। अच्छा उठा कर लेगा काम? अरे कर लूंगा ना, मेरे को उम्मीद नहीं है, देख लिया मंटर का। हाथ तुम निकलो यहाँ से, जाओ। अरे कर लूंगा, तुम बात तो करना उससे। अब पेमेंट तो गुस्सा तूने फटर में छेद कर दी उंगली डाल के। हाँ हाँ अच्छा हो गया, लात नहीं मारने पानी निकल जाता अभी। तुम फालतू की बात मत करो, मेरा हो जाएगा ना काम का। बहुत परेशान हूँ चाचा, हंसी मजाक की बात नहीं है, और बात भी सही है, मेरे बाप का भी कहना सही है। अब मैं बड़ा हूँ लड़का घर का, तो करना तो पड़ेगा ही काम धाम। नहीं करना पड़ेगा बेटा। कितनी रोजी देते हैं वहाँ? 170 रुपए देते हैं। हाँ चलेगा चलेगा चलेगा, कर लेगा। तो आ जाइए, मेरा बाप काम में जा, काम में जा करे, पर जबरदस्ती कहाँ चल जाऊंगा काम। अबे जब तू काम करने लगे तो 60,000 कहाँ लगेंगे तेरे को बेटा? अरे अभी तुरंत के खर्चे है ना चाचा, फिर दे दूंगा ना दीपावली के बाद, पेमेंट मिलेगी तो। तेरे ऊपर भरोसा नहीं है? मैं रामकृष्ण को दे दूंगा, तेरे को नहीं दे सकता। हाँ तो उसी को दे देना मेरे से, आज जयराम जी के आज के तो मतलब चाचा को भूल गया तू इसी बार? भूलने का क्या है, फालतू की बात मत करियो बेटा, दे रहा हूं। रहन दो। तुम काम की व्यवस्था करोगे क्या नहीं, 7,000 दोगे क्या नहीं, ये बताओ बस। दे दूंगा मेरे मारने के बाद सब तेरा ही बेटा। अरे मरोगे कब, वो अलग है, अभी मर जाओ। नहीं मरना नहीं, अभी 7,000 देख के मरना। चलो हल्की अर्ज किया है। अरे फिर तुम्हारा सुनता ले, तू तो सुनता, बाकी कौन सुनता है? हाँ ये भी बात सही है, गांव में सुनता ही कौन है तुम्हारी। लो बोलो। अर्ज किया है। हाँ। हल्की हल्की सी हंसी, साफ इशारा भी नहीं। हाँ। जान भी ले गए और जान से मारा भी नहीं। चलो तुम पैसे दो मेरे को, तुम अभी आओ, अभी बैंक जाना पड़ेगा। अरे चले जाएंगे, मैं साइकिल में बैठा के ले चलूंगा। चलो तुम 7,000 दो, और दोबारा ये फालतू हरकत मत करिए, पटकने पटकने वाली समझ। वो तो अच्छा हो गया तुमने रोक लिए, झाड़ गिर जाता। अभी कुसम गया झाड़, इसमें अभी लाख लगी हुई, लाख भेजा महंगी बिकती गई थी क्या? महंगी बिकती सुने, गाड़ी पर बिल लेके आई थी। को बैंक जाने के बजाय वो यहीं से काम हो जाए, बिल लेके आई थी। बिल ले, 2,000 मिल के बिल लेते हैं। बाकी फेट वाले ने देखा तो बहुत मार मारेगा बट्टा दे रहा है, मेरे को भक्ते भी नहीं बनता, चल रहे एकदम भाग रहा था तो लुंगी फट गई। अरे यहाँ भाई साहब डब्बा लेके आए थे, कह देंगे ना। अब ये अब इकट्ठे रखे हुए गोविंद, आए उठा 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 सुने, बाकी जुगाड़ हो जाएगा। क्या मेरे से 60,000 लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी? तुम देना है क्या नहीं देना ये बताओ यार, बहानेबाजी मत करो। ऐसे नहीं मानेगा क्या? अरे चलो ना, हो गया ना इतनी। अरे देख लेगा तो अभी वहाँ, अब फर्जर को भी निकाल। अरे चलो ना, वो लाख इतनी भी नहीं तो औजने की नहीं अपने को, समझ गए? 7,000 दे रहे हो ना।